सवाल आज फोन तो कर ले। एक तो मस्जिद हराम है, दूसरा फिर मटका की लिमिट्स हैं। हुदूद हरम असल में वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुअय्यन कर दी गई थी, तो वो बस एक एरिया है, यानी यूं समझ लें कि शहर से मक्का शहर से तकरीबन 20 मील का रेडियस, 20 मील इधर और 20 मील इधर, तकरीबन इतना इतना बनता है। बाज तरफ से हुदूद हरम जरा करीब है, जब मस्जिद आयशा की तरफ से आए तो शहर के अंदर ही आ गई है, इस तरफ से आए रियाज की तरफ से आए तो हुदूद हरम जो है वो तकरीबन 15 मील के फासले पे है। वो उन्होंने स्टूल लगा दी है, उस पर लिख दिया है कि हरम शुरू हो रहा है यहां से। दो चीजें, एक है हरम और एक है मीकात। मीकात की हद जो है वो तो हुदूद हरम से भी 40-50 मील पहले शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हुदूद हरम में आके आप बादब हो जाए, बल्कि हुदूद हरम से 50-60 मील पहले आपको एहतराम करना पड़ता है और लिहाज करना पड़ता है कि हरम की हुदूद आ रही है और वहीं पे एहराम आपको बांधना पड़ता है मीकात पे। और आप जितनी पाबंदियां हुदूद हरम की हैं वो हुदूद हरम आने से 40-50 मील पहले शुरू हो जाती है। और बाज तरफ से तो मीकात जो है वो काफी दूर फासले पे है। एक मीकात तो खुद मदीना मुनव्वरा में है, 460 किलोमीटर के फासले पे। तो कई तरफ से मुख्तलिफ मीकातें हैं। समंदर के रास्ते से आए तो यमन के करीब आती है मीकात, यलमलम उसको कहते हैं, वो आलिमन 600-700 मील के फासले पे, 600-700 किलोमीटर के फासले पे। खुशी के रास्ते पे मीकात है, वो मदीना मुनव्वरा से 60-70 किलोमीटर पहले आती है रियाज की तरफ से आए। तो मुख्तलिफ तरफ से यम्बू में एक मीकात है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आए तो मीकातें मुख्तलिफ बनती हैं। तकरीबन नॉर्मल जो है वो 70-80 किलोमीटर का फासला है। हुदूद हरम से पहले आपको अलर्ट कर दिया जाता है कि आप हुदूद हरम के करीब हो रहे हैं, जरा समझना है।